नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट से किस्त या ईएमआई पर मोबाइल फ़ोन कैसे लेते हैं। फ्लिपकार्ट से किस्त या ईएमआई पर मोबाइल फ़ोन लेने का क्या टर्म एंड कंडीशन है और इसका क्या पूरा प्रोसेस है, ये हम जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट से किस्त या ईएमआई पर मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर जो सर्च बार दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों, आप जो भी मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च कर देना, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सर्च कर लिया, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब दोस्तों नीचे आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, हम यहाँ से दोस्तों एस्क्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज खुल कर आएगा। अगर आप एड्रेस चेंज या एड्रेस जो है ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो ऊपर चेंज और ऐड एड्रेस पर क्लिक करके अपना जो एड्रेस ऐड कर सकते हैं कोई नया, या फिर चेंज कर सकते हैं। तो हम दोस्तों ऐसे ही, मेरा एड्रेस यही है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। नीचे कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पेमेंट पेज जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ईएमआई पर जो है उस पर सेलेक्ट करना है और फिर से नीचे एक बार कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम एनी ऑफ द ऑप्शन बिलो। तो उसके आगे है देखिए, नाउ मोर है लिखा हुआ ब्लू कलर में, उसको आपको क्लिक करना है। नाउ मोर पर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों ईएमआई के बारे में दिया गया है कि ईएमआई क्या है, और पूरा डिटेल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए ताकि जो है ईएमआई के बारे में आपको अच्छे से पता चल सके। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कट करते हैं। अब नीचे देखिएगा तो यहाँ पर जिस भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है आपके पास, वो बैंक जो है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैं HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों अगर 3 महीने के लिए लेते हैं, यानी 3 महीना में अगर हम चाहते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन का EMI भरें, तो देख सकते पर मंथ जो है यहाँ पर देखिए 5,467 रुपया जो है देना पड़ेगा। अगर 6 मंथ का लेते हैं तो वो 2785 रुपया, अगर 12 मंथ का लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों वो जो है 1445 रुपया देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको जो भी इजी लगता है, अगर आपको लगता है कि आप जो है 3 महीने में ही चुका देंगे, या फिर 6 महीने, या फिर 9, या फिर 12 महीने, तो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर जो है फिर से एक बार आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ से दोस्तों आपको कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ एक्सपायरी डेट जो कार्ड पर लिखा हुआ रहता है, मंथ और ईयर डालना है, और 3 अंक का एक CVV जो कि आपको कार्ड पर ही देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको यहाँ पे CVV जो है डालना है CVV वाले बॉक्स में, और फिर से एक बार आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुली जो है वो आपका जो भी मोबाइल फ़ोन आप ऑर्डर करेंगे वो यहाँ से दोस्तों EMI से हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी EMI से नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे जो है वीडियो बनाना था, आप लोगों को बताना था, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस जो है आपको यहाँ तक बता दिया हूँ। तो दोस्तों आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे कार्ड का डिटेल डालिएगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक जैसे कीजिएगा तो आपका दोस्तों वो जो है मोबाइल फ़ोन वो बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से कोई भी मोबाइल फ़ोन जो है EMI पर या फिर किस्त पर जो है वो बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।